हेलो एवरी वन वेलकम टू एड्स ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म बच्चों कैसे हैं आप आवाज आ रही है मेरी आपको बताइए फाइन टू सो यहां पर हमारा होमवर्क लिखा हुआ है क्या आप लोगों ने किया क्या आप लोगों ने किया सबसे पहली बात इफ यस देन वॉट आर द आंसर्स ओके वेरी गुड वन सेज द आंसर ऑफ फर्स्ट इज फिफ्टीन हंड्रेड सेकेंड इज टू टू सेवन फाइव ओके ठीक है वील चेक दैट और हिमांशी ईशिता अगस्त्या लक्ष्यजीत वंश प्रिशा एंड शंभवी राइट चलिए चालू करते हैं इसको और एक बार आई वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द स्टडी सेशन बिकॉज आई वॉज आउटसाइड देन यू शुड वॉच द पास्ट लाइव क्लास सी वी हैव अ फैसिलिटी ऑफ पास्ट क्लास एज वेल इफ यू आर नॉट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास इन द लाइव सेशन देन यू शुड अटेंड द क्लास इन द पास्ट लाइव क्लास सेक्शन सो दैट यू कैन कवर अप द थिंग्स दैट यू हैव मिस्ड इन द लास्ट क्लास तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चीजें आपको समझ में आएंगी है ना कोई बात नहीं हिमांशी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलियो तो फटाफट पे बात करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ओहो लेट मीन जस्ट टेक कहा था द फर्स्ट ओके कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड या ये था हमारे पास ठीक है अब देखो 21 टू 79 हमें फाइंड करना है ऑड नंबर्स का सब तो क्या होंगे वो हमारे पास 21 plus 23 एंड सो ऑन प्लस अप टू ये विल आपका बन जाएगा 77 plus 79 क्योंकि आपसे कहा है नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम कहा है फ्रॉम में आपके ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा ठीक <coughs> है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अभी क्या करेंगे ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको देखो we can do like this कि up to 79 how many numbers are there आपको पता है 1 से 10 में 5 होते हैं 10 से 20 के बीच में 5 होते हैं तो हमारे पास 80 तक की रेंज है तो 80 तक की रेंज में 8 रोज बनी 8 टाइम्स 5 40 हो गए कितने हो गए 40 तो ये सम बराबर होगा 40 स्क्वायर के बट हमारे पास 1 से लेके 20 तक के नहीं है तो उसमें से माइनस कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कर दो भाई माइनस ये जो भी बनेगा आपका आंसर होगा और इसके लिए क्या मिलेगा आपको फोर्टी प्लस टेन एंड फोर्टी माइनस टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ठीक है ये आपको किस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको थर्टी दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड वंश ने जो लिखा था आंसर वो सही है ठीक है फिफ्टीन हंड्रेड इज द आंसर इसी तरह से आप सेकंड वाले को भी कर सकते हैं सेकंड वाले कैसे करेंगे देखो आपसे कहा थर्टी वन से हंड्रेड थर्टी वन फ्रॉम कहा है फ्रॉम तो फ्रॉम में थर्टी वन आएगा थर्टी थ्री आएगा प्लस अप टू हंड्रेड से मतलब नहीं है क्योंकि हंड्रेड इज नॉट एन ऑड नंबर तो आप हंड्रेड से पहले वाला क्या आएगा 99, वो आप उसको ले लेंगे ठीक है तो अब आपको पता है वन से लेके हंड्रेड तक कितने ऑड नंबर बच्चों हमारे पास फिफ्टी ऑड नंबर होते हैं फिफ्टी इवन नंबर होते हैं सो आई कैन राइट फिफ्टी होल स्क्वायर माइनस देखो हमें चाहिए वन से लेके थर्टी तक के ऑड नंबर्स का माइनस करना सम इसमें क्योंकि थर्टी तक के नंबर्स नहीं है हमारे पास तो माइनस कर दो कितना तो आंसर uh, आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा गुड इवनिंग रोशन ठीक है ना समझ में आ गया सभी को यहां पे भी हमने आइडेंटिटी यूज की कौन सी वाली 50 प्लस फिफ्टीन टाइम्स फिफ्टी माइनस फिफ्टीन ये आइडेंटिटी यूज कर लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी ओकेर एवरी वन बताइए फटाफट ओके चलो मैं भी मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं एक बार फिर थर्टी फाइव फाइव जो आपका होगा वन सेवनटी फाइव कैरी सेवनटीन एंड थर्टी फाइव सिक्स जा ये आपका बन जाएगा ठीक 227, yes, है ना? चलिए ये हमारा हो गया हमने यहां पे कल सीखा था कि हम कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग से हमें consecutive odd numbers को add करना हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है तो ठीक है क्या है जितने odd numbers से उन्हें एड कर लो सॉरी नंबर्स देख लो कितने उसका स्क्वायर कर दो ऑर्ड नंबर्स का सम बता देता है आपको सर हाई नेटवर्क प्रॉब्लम हाई नेटवर्क प्रॉब्लम लक्षित बेटा हाई नेटवर्क प्रॉब्लम क्या होता है सर फिर से समझा दीजिए रोशन कल ही समझाया था बेटा कल ही समझाया है जस्ट कल आप क्लास में थे तो सही कल कल थे क्लास में आप रोशन ऐसे है बेटा ये वन का वन ले लिया आपने वन के बाद थ्री आता है फिर फाइव आता है फिर सेवन फिर नाइन फिर इलेवन फिर थर्टीन ये सभी क्या है ऑड नंबर्स हैं ऑल दीज आर ऑल दीज आर ऑड नंबर मतलब one क्या है? एक नंबर को हम एड करेंगे तो यह वन के स्क्र के बराबर होगा दो को एड करेंगे दो मतलब दो का स्क्वायर होता है तीन का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर तो फाइव थ्री एट वन नाइन थ्री स्क्वायर देखो नाइन के बराबर होता है तो इसी तरह से अगर आपको दस नंबर एड करने तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एड करने सेक्वायर के बराबर हो जाएगा ये स्टार्टिंग से ठीक है ये है तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन मैंने कोई नहीं करवाया रोशन यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन गिवेन थे बेटा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे और आपसे कहा था करके लाए आप इन्हें ये कहा था मैंने ठीक है चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे टॉपिक के बारे में तो मैं यहाँ पर आगे इसमें इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हम ये कर चुके हैं राइट तो हमने पढ़ा था जो पढ़ा था वो आपके सामने है कुछ इस तरह से देखिए नॉक नॉक हीरा हाँ, ये, ये आपके पास पैटर्न था हमने ऑड नंबर्स ऐड कर रहे थे तो वन ऑड नंबर का वन स्क्वायर टू ऑड नंबर्स का टू स्क्वायर तीन ऑड नंबर्स का थ्री स्क्वायर फोर ऑड नंबर्स का फोर स्क्वायर इसी तरह से करते करते आप जब आगे जाएंगे पांच का फाइव स्क्वायर सिक्स का सिक्स स्क्वायर इसी तरह से ऐड करते जाइए आपके पास नंबर्स मिलते जाएंगे सो वी कैन सेचुरल नंबर ठीक है ना इसके बाद लिखा हैल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सक्सेसिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद वन दैन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है one, square, <laughs> मतलब क्या है देखो यहां पर जो नंबर है हमारे पास वन से लेके इलेवन तक था और ये क्या बना ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना यहां से वन से लेके हमारे पास नाइन तक थे ये नंबर ट्वेंटी फाइव बना परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना वन से लेके सेवन तक थे परफेक्ट स्क्वायर बना तो अब ये कह रहा है कोई नंबर है मान लो कैसा नंबर है मैंने मान लो ट्वेंटी फोर है मेरे पास अब ट्वेंटी को आप लिख सकते हैं क्या वन प्लस, 3 प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन चेक करो एक बार जरा वन थ्री फोर फोर फाइव नहीं लिख सकते हमें इसको सक्सेसिव के सम की फॉर्म में इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा जिस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं वही आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको देखो ट्वेंटी फोर लिखा मैंने स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी फोर में से पहले वन माइनस करा पहला नंबर माइनस कर क्योंकि पहला आउट नंबर वन होता है क्या मिला आपको आपको मिला ट्वेंटी थ्री फिर आपने इसमें से नेक्स्ट स्टेप में क्या करा नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें से थ्री माइनस करा क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी uh, मिलेगा ट्वेंटी मिला फिर आपने नेक्स्ट में आपने फाइव माइनस किया क्या मिलेगा आपको आपको फिफ्टीन मिला फिफ्टीन में से सेवन माइनस किया आपको एट मिला एट में से नाइन माइनस किया माइनस यानी कि जीरो नहीं आया तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है आप इसको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है यह बात समझ में आ गई सभी को ठीक है तो यहां से हम दोनों तरफ से सीख सकते हैं चीजें अगर आपका ऑड नंबर्स का सम है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा एंड इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन फ्रॉम एनी नंबर देन इफ द आंसर इज नॉट इक्वल टू जीरो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यह भी आप कहेंगे अरे लक्षजीत भाई कितनी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी मैं तो थक गया आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम सुन सुन के ठीक है कोई बात नहीं अब आप जब आपको नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी है तो आप क्लास छोड़ दीजिए जब आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आप क्लास अटेंड कर लेना ओके फाइन चलिए <coughs> चलो चलते हैं आगे आगे हमारे पास क्या है देखिए ये हमने इसका पैटर्न समझ लिया नेक्स्ट चलते हैं आगे सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं यहां पे देखो बच्चों क्या है हमारे पास सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कुछ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम हम देखने वाले हैं क्या होता है मैं लक्षित के बारे में कह रहा हूं बच्चों बाकी सबका ठीक है और किसी को दिक्कत नहीं आ रही सिर्फ लक्षित को दिक्कत आ रही है हो सकता है उसके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू हो तो मैं लक्षित से कह रहा हूं कि बेटा आप अगर ज्यादा इश्यू आ रहे हैं तो आप क्लास लीव कर दें अभी देन बाद में जब आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तो आप उस टाइम पर ज्वाइन कर लेना ओके चलिए सो इट एस थ्री स्क्वायर वी कैन राइट इट एज फोर प्लस फाइव है ना थ्री स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज फोर प्लस फाइव Like 5 तो लेकिन क्या है? ये है कि आपका ऑर्ड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए क्या होना चाहिए ऑर्ड नंबर का स्क्वायर देखो ध्यान से थ्री का स्क्वायर है फाइव का है सेवन का, का, का है और आपका नाइन का स्क्वायर बनेगा आपका इलेवन का स्क्वायर नाइन नाइन जा एटी वन होता है तो एटी वन यानी कि एन से एक कम करो फोर्टी हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 40 प्लस ठीक है 11, 11 जा, 121 होता है होता तो वन ट्वेंटी का आधा करो सिक्सटी तो सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन ऐसे आप लिख सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर में अब आप सोच रहे होंगे सर इवन को लिख सकते हैं टू टू जा फोर होता है फोर को आप नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि क्या करेंगे टू प्लस थ्री नहीं लिख सकते वन प्लस टू नहीं लिख सकते देखो आप थ्री हमारे पास है ऑलरेडी फोर स्क्वायर देखो क्या मिलेगा सिक्सटीन मिलेगा सिक्सटीन को आप लिखेंगे तो एट प्लस एट ही आएगा एट प्लस एट ही आएगा एट प्लस, प्लस नाइन नहीं लिख सकते सर अगर मुझे बाहर जाना मतलब वट वट यू अंडरस्टैंड अगर अस्त्य मुझे अगर बाहर जाना है हैं अगर मुझे बाहर जाना है कहां बाहर जाना है आपको हम्म कहा बाहर जाना है सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एंड इट कैन बी रिटन थर्टीन बीजीन प्लस हमें प्रॉपर्टी क्या मिल रही है कि हम दो इक्वल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसको हम टू प्लस टू लिख सकते हैं तो है तो मैं बाद में पास्ट लाइव क्लास देख सकता हूं ना सर देख सकते हैं अगस्त्य देख सकते हैं लेकिन लेकिन वहां पर आपको सिर्फ देखना होगा आप वहां पर डाउट नहीं पूछ पाएंगे सिर्फ देख सकते हैं है ना वहां पे डाउट नहीं पूछ सकते क्यों क्योंकि पढ़ रहे हैं, वो हो चुकी है तो अगर किसी का जाने का मन है जाए। लेकिन वो नहीं पूछ पाएगा फिर। जैसे आप मुझसे बात कर पा रहे आप बाद में मुझसे बात नहीं कर पाएंगे बाद में भी नहीं पूछ सकते बाद में भी नहीं पूछ सकते ना दिक्कत वही है ना लाइव क्लास में रहो लाइव क्लास में रहो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप लाइव क्लास छोड़ के पास लाइव क्लास देखना नेक्स्ट अच्छा मतलब क्या हुआ अगस्त्य आप एक बार बताएं मुझे आप अकेले ऐसे होंगे जिन्होंने लाइव क्लास नहीं ली है ना एक पहली क्लास आपने छोड़ दी आपने बाद में क्लास देखी आपको डाउट्स आए आप नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे और जो बच्चे पिछली क्लास में उन्होंने सारी क्लास देखी पूरी बैठ के उनका टाइम नेक्स्ट क्लास में वेस्ट करूंगा फिर है ना यही आप चाहते हैं ऐसा नहीं होगा तो अगर आप कोशिश करें कोशिश करें कि आप लाइव क्लास देख पाए अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो ही आप लाइव क्लास छोड़ें ठीक है समझ में आया आपको <coughs> अगर ऐसा होगा तो लाइव क्लास में बच्चे क्यों आएंगे वो तो अपने कंफर्ट के हिसाब से फिर देखेंगे अरे मैं तो रात को 11 बजे आराम से क्लास देखूंगा सर ने आस क्या पढ़ाया है है ना मैं तो दिन में एक बजे देखूंगा सर ने क्या पढ़ाया है फिर लाइव क्लास की वैल्यू क्या रहेगी ओके 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 लक्ष्य जी ठीक है अब चलो तो ये हमारे पास यहां पे प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही है ना कि हमारे पास जो ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं वो क्या हैं वो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर हम उसे लिख पा रहे हैं एंड जो हमारे पास इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं वो क्या है सेम सेम नंबर का सम उसको हम लिख पा रहे हैं, हैं यानी है कि हम उसको टू टाइम्स लिख पा रहे हैं यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि जो नंबर हमें मिल रहे हैं इवन नंबर के स्क्वायर हमेशा इवन रहते हैं ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा ऑड रहते हैं यह चीज ध्यान रखें ठीक है इवन नंबर के स्क्वायर हमेशा इवन रहेंगे ऑड नंबर के स्क्वायर हमेशा ऑड रहेंगे दैट्स व्हाई वी आर एबल टू राइट देम एज़ अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दीस नंबर्स एज़ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स एज़ वी ऑल नो दैट द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर है ना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम हमेशा क्या होता है ऑड नंबर आप करके देख लो एक ऑड होगा दोनों को एड करेंगे तो ऑड ही नंबर मिलेगा ना हमेशा ठीक है हम लेते हैं वैसे तो हम इसको ईवन में लेते हैं है ना? क्योंकि जब आप इसको देखोगे जब आप इसको देखोगे जब आप नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो आपके पास जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर हम बात करते हैं कि जो आपके ऑड नंबर्स के अलावा होते हैं वो इवन होते हैं। तो ये आपका ऑड नंबर ये 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 आपका 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 नंबर, नंबर, नंबर। बाकी बचे हुए इवन, 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 इवन। ऐसे कर सकते हैं आप इसको ठीक है क्लियर <coughs> है चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे इसके बारे में देखो आगे हमारे पास और भी दे रखे नाइन का स्क्वायर है हमारे पास आगे इलेवन का स्क्वायर है हमारे पास जो लिखा है हमने अभी यहां पर और आगे अब देखिए कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या मिलने वाला है हमें अबाउट स्क्वायर नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर तो अब हम यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर को प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर की टर्म्स में लिखने वाले हैं ठीक है देखो क्या है आपके पास है 11 into 13 ये क्या होता है आपका 143 और ये आपका 12² 1 के बराबर होता है ठीक है 11 और 13 क्या है ये आपके दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और इसको हम लिख सकते हैं क्या 143 के बराबर होता है जो कि 144 से एक कम यानी कि 12 के 12² से एक कम है क्लियर है बात तो इसमें रिलेशन क्या मिला देखो 11 13 11 के और 13 के बीच में क्या होता है 12 होता है तो 11 और 13 का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा 12 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा साफ सीधी बात <coughs> ठीक है ये बात क्लियर हुई इसी तरह से मान लो आपको लिखना है 9 11 तो ये क्या होगा 9 और 11 के बीच में क्या आता है 10 आता है तो 10 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा ये प्रोडक्ट साफ सीधी बात समझ में आ गई <coughs> क्लियर है बच्चों इसी तरह से आपके पास मान लीजिए फिफ्टीन एंड सिक्सटीन फिफ्टीन एंड सेवनटीन है आपके पास तो ये क्या होगा ये आपका फिफ्टीन और सेवनटीन के बीच में सिक्सटीन आता है सिक्सटीन स्क्वायर माइनस वन के बराबर होगा साफ सीधी बात यानी कि दो जो नंबर है आपके जो कॉन्जिक्यूटिव और नंबर है उनके बीच में जो इवन नंबर होगा उसके स्क्वायर में से वन कम कर दो उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है वो समझ में आई है बात <coughs> बहुत सिंपल सी चीज़ है ऑब्जर्व करने की बात है बस ऑब्जर्व करिए सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी आंख खोल के रखें हमेशा है ना चलिए आगे हमारे पास और भी नंबर यहां पे स्टेट किए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बार लाइक एज ऑल्सोन इंटू थर्टीन इज इक्वल को आप लिख सकते हैं ट्वेल्व माइनस वन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी और क्या मिलेगा ए स्क्वाइनस बी स्क्वायर मिलेगा तो आप इसको लिख सकते हैं ट्वेल्व स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और वन स्क्वायर क्या होता है रिजल्ट ठीक है. है ये बात समझ में आई सभी को ओके okay. नेक्स्ट है हमारे पास थर्टीन इंटू फिफ्टीन आप इसको लिख सकते हैं फोर्टीन स्क्वायर माइनस वन डायरेक्टली इसकी जरूरत ही नहीं है हमें बीच वाले पार्ट की हमने तो अब ट्रिक देख लिया क्या है जो नंबर बीच में बचा हुआ है उसका स्क्वायर कर दो और वन माइनस कर दो खत्म आइडेंटिटी हाँ, आपकी ए प्लस बी या माइनस बी वाली है ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास ट्वेंटी थर्टी वन इक्वल टू थर्टी स्क्वायर माइनस वन तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं अब <coughs> आगे है हमारे पास 44 फोर इंटू फोर्टी है फोर्टी फाइव स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा कोई भी नंबर हो आपका स्टार्टिंग में इवन हो बाद में ऑड हो कैसे भी हो हमेशा स्क्वायर बीच वाला होगा और माइनस वन कर देंगे आंसर आपको मिल जाएगा सो इन जनरल वी कैन से दैट ए प्लस वन टाइम्स ए माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन तो ये तो सबको पता है ना इन जनरल क्या है तो सबको पता है कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है सबको पता है अब इसमें बच्चों जो b की वैल्यू है वो वन पुट कर दो कर दो एक बार पुट जरा b की वैल्यू वन क्या मिलेगा a प्लस वन जहां b है वहां वन रखा जहां b है वहां वन रखा जहां b है वहां वन रखा तो ये मिल गया ना देखो <coughs> क्लियर है क्लियर है ना क्योंकि आइडेंटिटी है तो ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी ये चीज आपको पता है बच्चों आइडेंटिटी और में क्या फर्क है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं आज आज बात कर लेते हैं जब बात आ गई आइडेंटिटी की तो बात कर लेते हैं वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फॉर्मूला नहीं पता लक्ष्यजीत को हर्षिता नहीं पता पता या फिर बताओ जल्दी से क्या है प्रेशा ने कहा आइडेंटिटी इज वैलिड इन ऑल केसेस हम्म बताइए बताइए सभी बच्चे बताएं डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड फार्मूला नहीं पता ठीक है चलिए मैं बता देता हूं आपको आपने बच्चों पढ़ा होगा फिजिक्स में एफ इज एक टू एम ए पढ़ाया पढ़ाया आपने नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ा अच्छा अभी नहीं पढ़ा अभी आपके सिलेबस में नहीं आया होगा कोई बात नहीं इसको हम हटा देते हैं अच्छा अभी हमने देखा यहां पर कि ये जो है हमारे पास कोई कह दीजिए आप इस तरह से क्या कह सकते हैं हम फार्मूला लिखते हैं यहां पे क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास कोई भी फॉर्मूला लिख दीजिए आप क्या बताओ आप छोटे छोटे फार्मूले मुझे याद भी नहीं मुझे बड़े फार्मूले याद नहीं जो आपने पढ़े नहीं होंगे शायद है ना कोई भी फार्मूला बताओ आप जो आपको याद हो आप बताओ मुझे <coughs> ये तो आइडेंटिटी है बेटा ये फॉर्मूला नहीं है आप फार्मूला बताओ मुझे

माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब हमेशा ट्रू रहेगा और बी कुछ भी हो हमेशा ट्रू रहेगा ये ठीक है ना लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं जैसे पी आर टी अपन हंड्रेड यहां पर आपका पी प्रिंसिपल होना चाहिए आर आपका आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए टी आपका टाइम होना चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे ये फॉर्मूला है दिस इज अ अमूला ठीक है ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन हंड्रेड ये एक फॉर्मूला है बच्चों यह एक फॉर्मूला है आप यहां पर कोई रैंडमली वैल्यू पुट कर दें और ये सही आ जाए ऐसा नहीं है यह सिर्फ पी आपका क्या होना चाहिए यह आपका प्रिंसिपल अमाउंट आर मस्ट बी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी मस्ट बी टाइम इन ईयर है ना तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे लेकिन यह जो चीज है यहां पे आप ए और भी कुछ भी रख दो हमेशा ट्रू रहेगा ये तो ये आइडेंटिटी है और ये एक फार्मूला है तो आइडेंटिटी हर जगह ट्रू होती है फॉर्मूला हर जगह ट्रू नहीं होता है वो अपने के स्पेसिफिक जगह पर ट्रू होता है ठीक है ना समझ में आ गया सभी को तो ये फर्क है आइडेंटिटी और फार्मूला के अंदर ओके चलिए ये हमने यहां पर सीख लिया ये क्या है ये एक आइडेंटिटी बन गई आपकी ठीक है ये क्या है आइडेंटिटी ए की कोई भी वैल्यू रख दो आप यहां पे कुछ भी रख दो ये इसके बराबर होगा हमेशा ठीक है चलिए आगे चलते हैं वा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही मजेदार पॉइंट है देखो क्या है ये, ये एक एक पैटर्न है ये एक पैटर्न है क्या है दिस इज अ पैटर्न आपका एक पैटर्न है मैं लिख देता हूं पी ए डबल टी ए आर एन ये किस चीज का पैटर्न है स्क्वायर ट्राइंगल ट्राइंगल कहते हैं इसको ट्राइंगल ठीक है क्या है देखो बच्चों ये अगर आप वन का स्क्वायर करेंगे आपको आंसर वन मिलेगा इलेवन का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर वन टू वन मिलता है ना वन से टू पे गए टू से वन पे गए 111 का करेंगे तो वन टू थ्री टू वन मतलब जैसे आप ऊपर गए वैसे या फिर नीचे गए आधा ऊपर गए फिर नीचे गए ऊपर गए फिर नीचे गए फिर ऊपर गए, गए।, गए फिर नीचे गए तो जब कभी भी आपको इस तरह का नंबर मिलता है तो आप उसका स्क्वायर बिना कैलकुलेट करे लिख सकते हैं लाइक like मेरे पास अगर तीन चार पांच छोटे इसका स्क्वायर करना है मुझे क्या मिलेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है ये एक पैटर्न है इंटरेस्टिंग पैटर्न है हमारे पास ठीक है जितने नंबर देखो पे चार नंबर थे one, 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 four times था तो वन टू थ्री फोर तक गए फिर वापस थ्री टू वन यहां पर कितने फाइव वन हैन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन यहाँ पे कितने पे तो है। तो फिर बहुत ही सा है, है ठीक ना? कभी भी ज़िंदगी में आपको इलेवन या फिर इलेवन फाइव टाइम्स वन वन करके आप कभी आपको निकालना नहीं पड़ेगा सिर्फ वन वाले केस में बेटा ये फॉर्मूला है आप कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ एक फॉर्मूला है सिर्फ वन के केस में ट्रू है टू के केस में ट्रू नहीं होगा ठीक है ना ओके <laughs> तो okay. so, एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है आप इसको देख सकते हैं आगे आगे चलते हैं आगे देखिए है, हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है कभी भी आपके पास इस तरह का नंबर हो जैसे कि सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन मिलता है सिक्सटी सेवन का स्क्वायर आपका देखो सिक्सटी सेवन है तो सेवन की प्लेस पे आपको नाइन मिलेगा और जो आपके दो नंबर हैं एक, एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड अरे इसका लिख लो ना कितना है बार लिखा है उतने इतना बड़ा कोई नहीं पूछेगा आपसे इसमें देखो तो आपके पास क्या होगा दो नंबर है तो दो बार फोर फोर आएगा और लास्ट में एटी नाइन एक बार एट एक बार नाइन ठीक है फिर आपके पास सिक्स सिक्स सेवन का स्क्वायर है तो क्या मिलेगा आपको देखो तीन नंबर से तो तीन बार फोर फिर दो बार एट फिर एक बार नाइन ठीक है लास्ट नेक्स से, वन से वन है। तो तो ती, आपका नेक्स्ट क्या सेवन है थ्री टाइम्स एट एंड सेवन है बात ये आपके इस तरह के नंबर्स के ट्रू है यहां पे देखो फाइव नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव टाइम्स फोर आएगा फाइव टाइम्स फोर आ गया फिर उसके बाद सिक्स कितनी बार है फोर टाइम्स है तो फोर टाइम्स आपका एट आएगा सेवन वन टाइम है सेवन टाइम आपका वन टाइम आपका नाइन आ गया दिस नंबर कॉन्टेंस टू ट्वेंटी वन टू टू वन टू टू वन मीन क्या हुआ बेटा ये ट्वेंटी टू वन है अच्छा ट्वेंटी टू वन है बहुत बड़ा नंबर है उसको छोड़ दो ठीक है यहां पर देखो ये हमारे पास कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स है हमारे पास तो सिक्स टाइम्स फोर आएगा और फाइव टाइम्स सिक्स आएगा और वन टाइम नाइन आएगा लिख सकते हैं इसको आप ऐसे अब यहां है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्या करेंगे इस केस में हम इस केस में हम क्या करेंगे हमारे पास जितने नंबर हैं उतनी बार हमें फोल्ड लिखना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन Nine times थे पूरे नाइन टाइम्स फोर आगे अब एट टाइम्स आपका एट आएगा तो one, two, three, four, five, six, seven, eight. Seven की जगह पे आ जाएगा जाएगा, बस ख़त्म। ये इसका हो ठीक है कैसे कर रहे हैं हम जो डिजिट हैं कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन टाइम्स फोर आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब सिक्स कितनी बार है एक कम कर दो नाइन में से एट हो गया तो एट बार एट आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की जगह पर नाइन है वाला पैटर्न ठीक है ये वाला पैटर्न क्लियर है आपको चलिए याद रखना है इसको क्वेश्चन आ सकता है बताना पड़ेगा आफ्टर ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कैन सॉल्व इट हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं तो लेकिन आपको ना एग्जाम में पैटर्न नहीं देगा वो आपको सिर्फ कहेगा कि इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा डायरेक्ट आपको याद होगा तो आप बता देंगे वरना फिर आप सॉल्व करते रहना उसको बैठ के ठीक है चलिए आगे चलते हैं सर ऐसे अनदर नंबर का होगा ऐसे अनदर अनदर मतलब क्या बेटा ये देखो ये चीज है ना पहले से स्टडी की हुई है रोशन ऐसा नहीं कि मैं बना के दे रहा हूं आपको ये नहीं ये पहले से बनी हुई है जो बनाई गई है मैं आपको बता रहा हूं आप भी कर सकते हैं बहुत सारे नंबर्स देखिए उनका स्क्वायर फाइंड करिए पैटर्न देखिए जो पैटर्न मिलेगा वो हो जाएगा बस सिंपल सी बात है ठीक है ना क्लियर रोशन ऐसा है बेटा ये ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है बहुत सारे का किया किया गया होगा उस pattern check किया होगा उसमें अरे ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है तो बस पैटर्न बन गया आपका खत्म ओके चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की यहां पर तो हमारे पास कहा है वॉट विल बी फॉलोइंग नंबर तो आपसे पूछा है इन नंबर के स्क्वायर्स का यूनिट्स डिजिट क्या होगा ये हमें बताना है ठीक है इन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट सब लोग अरे ऐसे नहीं ऑप्शन लिख के फर्स्ट का ये सेकंड का ये थर्ड का ये फोर्थ का ये इस तरह से बताना है प्रशा ये नहीं चलेगा मैं नहीं अलाउ करूंगा इस तरह से मैं नहीं अलाउ करूंगा इस तरह से अब बताएं लिख के बताएं ऑप्शन के साथ में बहुत सिंपल है है ना मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बहुत सिंपल है उससे करना आप कर सकते हैं बाद में ओके, रोशन ने कहा फर्स्ट का वन संभवी ने आंसर दिए हैं कुछ छह के, ठीक है? रोशन बेटा घूम गए ना गलत कर दिया ना सेकंड वाला थर्ड वाला भी गलत कर दिया फोर्थ वाला भी गलत कर दिया अरे क्या क्या कर दिया इसने भगवान क्या कर दिया इस बच्चे ने क्या कर दिया इस बच्चे ने भगवान मैं तो पागल हो जाऊंगा रोशन क्या कहा है बेटा इसने पूछा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनके स्क्वायर का पूछा है आपसे इनका नहीं पूछा अरे इनका नहीं पूछा इनके स्क्वायर्स का पूछा है ठीक से क्या लिखा है कुछ लिखा ही नहीं आपने सही तो <laughs> आपने तो कुछ लिखा ही नहीं जो लिखा हुआ है उसी का लिख दिया आपने तो बेटा बेकार कर दिया सब खराब कर दिया आपने दोबारा लिखो मेहनत करो प्रा ने कहा फर्स्ट का वन सेकंड का फोर्थ थर्ड का वन फोर्थ का नाइन ठीक है प्रशा के आंसर चार देखे मैंने सही है तो बेटा बिना क्वेश्चन के आप आंसर कैसे लिख दोगे रोशन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना जो डायरेक्शन आपको दी गई है उसको यूज करो बिना उसके बताए आप कैसे आंसर निकाल दोगे भाई क्वेश्चन देखना जरूरी है पहले देखो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है अगर स्क्वायर का क्यूब का आपसे पूछा यूनिट पर क्या होगा तो जो लास्ट नंबर है उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर दो वन का टू से फोर मिल जाएगा नाइन का नाइन से नाइन नाइन एटी वन तो वन मिल जाएगा थ्री का थ्री से थ्री थ्री नाइन जीरो का जीरो से जीरो एट का एट से एट एट सिक्सटी फोर फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन फोर फोर या सिक्सटीन सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स नहीं आएगा सिक्स आएगा सर ठीक है ये आंसर हो गया ठीक है आई नो वेरी मिस्टेक रोशन 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 इज एवरीवेयर ठीक है रोशन समझ में आ गया बेटा सभी को समझ में आ गया क्या करना है आपको अब आप आंसर ला सकते हैं मैच भी कर सकते हैं क्योंकि मैं इतने इसमें आंखें गढ़ा के ऐसे चेक करके बताने वाला नहीं हूं कि आपको इसका आंसर अच्छा सही है इसका गलत है आप चेक कर लीजिए मैच कर लीजिए जिसका ठीक है उसका सही है जिसका नहीं है वो गलत है ठीक है ओके एवरी चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा देखो भैया ऑड नंबर है ऑड नंबर होगा ऑड नंबर है ऑड नंबर होगा खत्म हाँ मिस्टेक हो गया ना रोशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए मिस्टेक बहुत बुरा चीज़ है पता है आपको मिस्टेक बहुत बुरा चीज़ है यहां पे मिस्टेक कर लो अच्छी चीज़ है अगर एग्ज़ाम में मिस्टेक हो गया बहुत बुरा चीज़ है बहुत बुरा पछताना पड़ेगा हमें है ना एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए समझे शन बुझे ना ही बुझे ऐसे कहते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है बुझ गया नहीं, बुझ गए नहीं। अच्छा ठीक है मुझे नहीं आती मुझे नहीं आती मैं बस कोशिश करता हूं शायद बोल पाऊँ, नहीं आती मुझे द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स गिव रीजन आप ही से कहा था ना शायद मैंने कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं है ना आप ही से कहा था ना मैंने आप ही क्लास में कहा था ना मुझे याद नहीं क्योंकि तो इतनी सारी क्लासेस होती हैं पता ही नहीं चलता कौन सी क्लास में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हम्म हाँ इसी में कहा था मैंने रोशन था उसमें मुझे याद है रोशन भी था अगस्त भी था है ना हम्म चलो आपसे पूछा था फॉलोइंग स्क्वायर गिव रीजन रीजन क्या है These numbers are ending with the digit टू उसके बाद क्या आता है थ्री या तो टू होगा या फिर थ्री होगा या फिर सेवन होगा या फिर एट होगा तो टू थ्री सेवन एट अगर आ जाए कभी भी पीछे यूनिट्स प्लेस पे या फिर एक जीरो आ जाए या फिर तीन जीरो आ जाए या फिर पांच जीरो आ जाए तो वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा यहाँ पे सेवन यूनिट प्लेस पे इसलिए स्क्वायर नंबर नहीं है रीजन ये हो जाएगा यहां पे थ्री यूनिट प्लेस पे इसलिए नंबर स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा एट है नहीं बनेगा टू है नहीं बनेगा सिंगल जीरो है नहीं बनेगा तीन जीरो है नहीं बनेगा टू आ गया नहीं बनेगा तीन जीरो है नहीं बनेगा रीजन समझ में आ गया आप सभी को ये तो फिल्म पे चल गया कौन सा फिल्म पे चल गया यह अरे फिल्म विल्म देखना छोड़ दो रोशन बेटा पढ़ाई कर लो फिल्म 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 देखना फिल्म नहीं फिल्म फिल्म देखना बंद कर दो बेटा ठीक है चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन हैं आपसे कहा यूज द गिविंग पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर कौन सा अच्छा मूवी है भाई सर भुज अच्छा अरे भैया तुम तो क्या ही बच्चे हो यार तुम तो मूवीज में घुस गया यहां पे फिल्म में मतलब फिल्म चल रही है क्या यहां पे अरे वापस आ जाओ फिल्म नहीं देखनी है बबुआ यहां आ, यहां।, यहां आ जाओ यहां यहां आ जाओ पढ़ लो थोड़ा सा है ना आ जाओ देखो अब आपको बताना है जो आपको नंबर्स दे रखे हैं यहां पे नंबर्स दे रखे हैं हाँ ठीक है कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा समझिए नहीं समझिए वन हम एक लपड़ देंगे कान के नीचे खींच के अभी आपके चलिए यहां पर आइए यह क्या है हमारे पास वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर नेक्स्ट इसको दे रखा है आपको थ्री स्क्वायर के बराबर नेक्स्ट है टू थ्री सिक्स ये सेवन के बराबर दे रखा है थ्री फोर ट्वेल्व थर्टी के बराबर दे रखा है फोर फाइव यहां पे मिसिंग है बताना नंबर क्या आएगा तो इसका नंबर यहां बताइएगा यहां पे ये यह मिसिंग है यहां बताए नंबर क्या आएगा यहां पे मिसिंग है यहां पे मिसिंग है नंबर बताएं क्या आएगा आप लोगों के हवाले वतन साथियों बताइए आंसर क्या होंगे जल्दी जल्दी बताइए नहीं आता भाई नहीं आता ठीक है देखो सिंपल सी बात है क्या हो रहा है देखो इस नंबर का इस नंबर का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है इस नंबर का इस नंबर का प्रोडक्ट इस नंबर के बराबर है देखो टू थ्री जा सिक्स थ्री फोर जा ट्वेल्व फोर फाइव जा ट्वेंटी फाइव सिक्स जा थर्टी सिक्स सेवन जा फोर्टी टू ये भर गए यहां पे हमने भर दिए अब इसके बाद क्या होगा अब आगे चेक करते हैं देखो यहां टू था या थ्री आ गया यहां सिक्स था या सेवन आ गया ट्वेल्व थर्टीन ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री ठीक है हो गया समझ में आ गया पैटर्न पूरा तो आपको कोड ब्रेक करना आना चाहिए इसको बोलते हैं डिकोडिंग क्या बोलते हैं इसको डिकोड करना कहते हैं डिकोड यहां पर कोड था हमने इसको डिकोड कर दिया और हमारा आंसर आ गया ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं ऐसे जब आप मेंटल एबिलिटी पढ़ते हैं ना एम ए टी मेंटल एबिलिटी मैट जब आप पढ़ते हैं तब वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपने देखा होगा कुछ फिगर्स होते हैं कि एक पिक्चर आपको दे दी उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है एक साइड क्रॉस है एक साइड डार्क बना हुआ है और चार पिक्चर और दे दी हैं आपको बताया ये कहाँ फिक्स होगी ये पिक्चर कहाँ फिक्स होगी सीक्वेंस में बताओ है ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपसे कहेगा कि अगर हम अगर हम रोशन को किसी एक लैंग्वेज में इस तरह से कोड करके लिखते थे तो आपसे पूछेगा फिर अगस्त्य को अगस्त्य क्यों हम इस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे है? ये इस तरह के क्या होते हैं ये आपके कोडिंग डिकोडिंग होती है इसको हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे लिखेंगे ए वाई टी एस ए जी सागा नासौर कैसी लैंग्वेज है अच्छी है ना जो आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी ना वहां पे बोलता है अम, इसका जो विलेन होता है उसका तो ऐसी बोलता है ना नास <laughs> है ना वही वाली लैंग्वेज है <laughs> ऐसे ही सभी का नहीं भल्लाल देव नहीं भल्लाल देव नहीं जो काला सा होता है इसकी आंख नहीं होती सफेद वाली आंख होती उसकी लंबे लंबे लास्ट में जो आता है हाँ तो सभी के नाम एक बार लिखते हैं प्रिशा का लिख के देखते हैं क्या बनेगा तो पी आर आई एस एच ए ये बनेगा आशिर आशिर्प है ना आशिर्प बाहुबली हाँ जो भी बाहुबली वन टू में मुझे इतना याद नहीं है और शंभवी का लिखिए भाई शंभवी का क्या बनेगा ये बनेगा आई वी ए एच बी एम ए एच एस पढ़िए इसको क्या बनेगा इवाह <laughs> है ना? ये ये असली में लगा कि उसी मूवी का डायलॉग है तो पक्का इम है ना इस तरह से तो नमन विल स्टे, नमन विल स्टे नमन नितिन विलस्टे नि, नितिन है ना तो सही है ठीक है क्लियर है और किसी का नाम अच्छा सा लग रहा है यहां पे? नहीं और किसी का नाम नहीं है ठीक है वंश का नाम हन हसनाव नहीं इसका नहीं बनेगा ठीक से ठीक है चलिए छोड़िए बहुत नाम बना लिया हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत कर ली ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया आगे चलते हैं आगे चलते हैं ठीक है ना आगे चलते हैं और देखिए है, क्या मिलता है आगे, आगे आपको नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेस फोर्टी नाइन एज द सम ऑफ सेवन अरे सिंपल सी बात है वन से स्टार्ट कर दो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन हो गए सात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन खत्म मेरा नाम आप बना लो भाई मेरे नाम का भी लो मुझे थोड़ी छोड़ दोगे आप लोग पता है मुझे बना लो इसका क्या बनेगा एच एस -E ई पी एल ए के केसेप्लाक मज़ा नहीं आया ठीक है नहीं मज़ा आया शंभवी के नाम अच्छा बना था है ना <laughs> तो एक ही नाम ठीक बना था बाकी रोशन का भी ठीक था अगस्त का भी ठीक था बाकी किसी का ठीक नहीं बना चलो ठीक है अमेरिकन नेम नहीं ने, अमेरिकन नेम नहीं है अजीब से नेम है ठीक है भूल जाओ इन्हें आंसर करते हैं क्वेश्चंस करते हैं ये थोड़ा फ़न के लिए था बस आप लोगों को नींद आ रही थी ना पढ़ते पढ़ते इसलिए फ़न के लिए था अब अब और नहीं अब वापस आते हैं पढ़ने पर यहां पे पास है 121 11 11 देखने, वहां तक आप लिख दो इनको तो कहां तक बनेगा ये 21 तक बनेगा क्यों क्योंकि 11 चाहिए तो आपको पता है वन से टेन के बीच में फाइव आते हैं इलेवन से ट्वेंटी के बीच में फाइव आते हैं है ना आप जीरो कर लो इसको जीरो से टेन के बीच में और टेन से ट्वेंटी के बीच में फाइव आते हैं और ट्वेंटी से थर्टी के बीच में फाइव आते हैं तो हमारे पास फाइव फाइव टेन और ट्वेंटी तो इलेवन तो तो हो जाएंगे 11 हो जाएंगे आपके तक आ ठीक है ये आंसर हो जाएगा वन टू ट्वेंटी वन यस क्लियर आगे चलिए आगे, आगे आपके पास हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं सिंपल सा फॉर्मूला है छोटे नंबर को छोटे नंबर क्या आ, इनके स्क्वायर्स के बीच पता है छोटा नंबर 12 है सो 2 12 यानी के 24 नंबर्स होंगे आपने पढ़ा था है ना यहाँ पर देखो 50 हो जाएंगे इसका डबल इसका डबल 198 हो जाएंगे तो इतने नंबर्स लाइक करते हैं बीच में सभी को पता है ना फॉर्मूला फार्मूला एन एन क्या छोटा वाला नंबर है आपका इस तरह से अगर है

एंड इन दोनों के बीच में कितने थे टू इंटू वन टू थे सिर्फ इन दोनों के बीच में 8, uh, कितने थे फोर टू जाट नहीं एक सेकेंड नंबर ये ना हमारा नंबर सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ इधर से आओ यहाँ से आओ इनके बीच में कितने थे इसके बीच में थे टू इसके बीच में टू टू जाोर इसके बीच में थ्री टू जा सिक्स यहाँ पे एट टेन ट्वेल्व इस तरह से नंबर्स थे हमारे पास है ना हमेशा इवन नंबर्स आते हैं ये ध्यान रखना बीच में कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा ये देखो टू इवन नंबर फोर इवन नंबर सिक्स एट सभी होता है दो से मल्टीप्लाई हो रहा है और जब किसी में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो आपका कैसा बन जाता है इवन नंबर बन जाता है, है ना ऑड में कर दो टू से मल्टीप्लाईन कर दो टू से मल्टीप्लाई तो भी इवन क्लियर है बात चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं अरे भाई क्या था है? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड पीछे चलिए पीछे चलिए फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अंबर स्क्वायर फाइंड करना है आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मैंने आपको जो लास्ट क्लास में पहले पढ़ी आपको आपको है, तो है।, है स्क्वायर कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए फोर्टीन फोर्टी का स्क्वायर सिक्सटी हंड्रेड टू का स्क्वायर फोर फोर्टी टू जा, जा दीजिए कितना मिलेगा वन सेवन सिक्स फोर ये आंसर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं इसको हम इसको वैसे भी कर सकते हैं हम ये ज्यादा बेटर तरीका है है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं प्राइम से स्क्वायर क्यों करेंगे हम बेटा संभवी प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यों करेंगे कैलकुलेशन बढ़ानी हमें क्यों है हम वहां तो कैलकुलेशन बढ़ा देंगे ना बस फायदा नहीं है उससे ठीक है यहां ऐसे कर सकते हैं आपको 98 का स्क्वायर फाइंड करना है क्या करेंगे आप 100 माइनस टू का स्क्वायर कर दीजिए या आपको बन जाएगा 10,000 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 हो गया माइनस टू का डबल कितना हो गया 400 हो गया 2ab है ना 2ab होता है ना 2 इंटू टू इंटू हंड्रेड यानी कि फोर ये बन जाएगा आपका यहाँ से माइनस कर दो तो आपका नाइन थाउजेंड सिक्स ये आंसर आ जाएगा ठीक है तो दो आइडेंटिटी आपके पास कौन सी कौन सी हैं ये आपकी हैं a प्लस बी होली स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क् टू ए बी एंड एक है a माइनस बी होली स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है यस yes, ये दो आइडेंटिटी हैं इनको सर कैन यू एक्सप्लेन प्लीज कॉलम मेथड कॉलम मेथड कौन सा बेटा स्क्वायर फाइंड करने का कॉलम मेथड आ, नाम मुझे नाम पता नहीं मेरा लेकिन हाँ अगर मेथड होगा तो मैं आपको समझा दूंगा इसको क्योंकि हम लोग तो इसी तरह से स्क्वायर फाइंड करते हैं ठीक है ना एक बार मैं चेक कर लूंगा कि आपके लेवल पे किस तरह से स्क्वायर फाइंड करते हैं क्योंकि हमें कभी भी स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा आर एस अग्रवाल में गिवन है लॉन्ग डिवीजन मेथड ठीक है वो स्क्वायर रूट होता है ना वो वो स्क्वायर रूट होता है लॉन्ग डिवीजन जो है प्रचार ठीक है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा नॉट टू फाइंड द स्क्वायर रूट स्क्वायर फाइंड करने के लिए नहीं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा वो ठीक है उसको हम बाद में सीखेंगे ठीक है ना और वैसे ही फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट का तरीका ही सिर्फ एक ही है फाइंड करने का कि अगर आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप लॉन्ग डिवीज़न ही फॉलो करेंगे सर फॉर स्क्वायर इट इज आल्सो देयर अच्छा स्क्वायर के लिए भी लॉन्ग डिवीजन है आपके पास नहीं। पता नहीं फिर मुझे चलिए कोई बात नहीं मैं उसको देख के आपको बता दूंगा ठीक है ना ियर बच्चो है पच्चों? वैसे सबसे इफेक्टिव जो है वो यही है आपका आइडेंटिटी यूज करके सबसे इफेक्टिव जो है वो यही मेथड है जो मैंने आपको बताया है यहां पे आप इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो नंबर हम चूज करते हैं फर्स्ट प्लेस पे उसका स्क्वायर आपको पता होता है जैसे कि हमने 40 लिया 40 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो का डबल जीरो बन जाएगी तो सिक्सटीन बन गया पहला नंबर दूसरा नंबर छोटा नंबर होता है तो आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं है ना तो इस तरह तो इस तरह तरह से से देखो का स्क्वायर बन गया पे। नंबर चलिए आगे चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करते हैं अब बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं देखो सबसे पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो इस तरह से होती है कि एक ट्राइंगल हमारे पास होता है ट्राइंगल कैसा होता है बच्चों ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है यानी कि वन एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री एक एंगल इस ट्राइंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है मस्ट है तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल इसको हम कहते हैं <coughs> अब ये नाइनटी है नाइनटी के सामने वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूज़ क्या बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज़ कहते हैं इसको हम ये जो हमारे पास बेस जिस पर खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस और जो इसकी हाइट है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ठीक है तो शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं एच ये एच है ये पी है और ये बी है और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है ठीक है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह हमें पता है अब इसके बाद इसके बाद क्या बच्चों देखो कि अगर कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल मैं आप लेता हूं कि एच इज P is equal to 3 and B रख के देखो जरा एक बार तो क्या बनेगा 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 ये 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 आपका आपका बन 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 गया 25, ये गया 9, ये गया 16, ये गया 25, ये गया कि बराबर आ गए अब ऐसा अगर कभी होता है अगर ऐसा कभी होता है गलती से बाई चांस भूल चुक कैसे भी हो जाए तो ये नंबर जो होते हैं ये जो मैं नंबर लिए मैंने तीन चार पांच जो नंबर लिए कैसे नंबर होते हैं क्या कहते हैं थ्री फोर फाइव ये क्या है ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्लियर है बात जो नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं क्या आपको और कोई ट्रिपलेट्स पता है बताएं बच्चों क्या आपको कोई और ट्रिपलेट्स पता है फटाफट से बताएं कौन से कौन से होते हैं मुझे भी पता है कुछ मैं बताऊंगा आपको फिर पहले आप मुझे बताएं फिर आपको मैं बताऊंगा ठीक है फटाफट बताइए ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन ठीक है ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन और सिक्स एट टेन सिक्स एट टेन फाइव ट्वेल्व थर्टीन फाइव ट्वेल्व थर्टीन थ्री फोर नाइन नाना नहीं होता बेटा ये भी नहीं होता इनफैक्ट ये भी गलत है ये भी गलत है ठीक है ट्वेल्व थर्टी फाइव थर्टी सेवन अब इसका तो चेक करना पड़ेगा बड़ा ही नंबर है तो ट्वेल्व थर्टी फाइव थर्टी सेवन चेक करना पड़ेगा इसको अरे इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए भाई ना ना. इतने बड़े नहीं चाहिए इससे पहले आपके ये नंबर आते हैं आपका फाइव ट्वेल्व थर्टीन आता है सिक्स एट टेन आता है सेवन किसी में नहीं आता एट आ चुका है नाइन के साथ कोई नंबर बनता नहीं है टेन के साथ नंबर आ चुका है इलेवन के साथ नंबर बनता नहीं है साथ नंबर आ चुका है थर्टी ए ठीक है आपके ठीक है इतने बहुत हैं इतने बहुत हैं ये आप याद कर लो और बाकी आपका एक थ्री फोर फाइव तो आपने लिख ही लिया है ठीक है ये बहुत हैं आपको याद करने के लिए ट्वेल्व थर्टी फाइव थर्टी सेवन वो वहां पर लिखा हुआ है हिमांशी ठीक है चेक कर लें आप इसको एक बार तो ये नंबर क्या है आपके ये नंबर आपके ये हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं चलिए ये हो गया यहाँ पे अब बात आती है कि हमें कोई एक नंबर पता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाकी जो बचे हुए हैं वो चाहिए कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या है ट्वेल्व हाँ ठीक है चेक करेंगे बेटा इसको चेक कर लो देखो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका अलग से स्क्वायर और जो बचे हुए दो नंबर हैं उनका है स्क्वायर का सम चेक करो क्या ये बराबर आता है या नहीं आता देखो तो ये बन जाएगा थर्टी फाइव प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू तो ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस थर्टी फाइव का स्क्वायर ठीक है चेक करते हैं तो ये बनेगा थर्टी फाइव का, का स्क्वायर प्लस फोर प्लस सत्तर टू ट्वेल्व स्क्वायर प्लस आउट हो गया बना बना आपका 144 और यहां बना 144 सही है मतलब क्या है कि ये है पीजीटी है आपका बापा हैं आपके सर आर वी कैन हाँ हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अभी करने वाले उसके बारे में हम बात ठीक है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं लेकिन ये हमारा सबसे जो थ्योरम है उसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास अलग और मेथड है उससे भी करेंगे डोंट वरी बहुत पहले मेथड सीखेंगे उसके बाद हम उनको आगे सॉल्व करेंगे ठीक है वैसे अभी टाइम इतना है नहीं मुझे लगता है कि हम आ, मुझे करना चाहिए आगे हमारे पास वी हैव ओनली फोर मिनट्स लेफ्ट सो चलिए कोई बात नहीं एक बार देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाद इसके बारे में तो हमारे पास जो क्या है अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो नंबर्स टू एम एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्र प्लस वन कौन से कौन से टू एम एम स्क्स वन ये एम नंबर्स नंबर क्या होते हैं ये आपके पाइथागोरियन होते हैं। इनसे भी चेक कर सकते हैं तो जैसे लिखा था वहां हमारे पास था ट्वेल्व था, 35 था, 37 था. है ना? ये नंबर थे तो यहां पर अगर छोटा नंबर क्या है हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है वैल्यू तो क्या 6 आ गई सिक्स आ गई रख थर्टी सिक्स में से बन गया थर्टी फाइव आ गई थर्टी फाइव वन थर्टी सेवन आ गई तो या आपके 12, 35, 37 हैं, हैं अभी ठीक तो है तो है बात? है बेटा ना ट्वेल्व इज इकू एम सब वैल्यू ऑफ एम विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर मैंने लिया है बेटा आप चेक करो ना टू एम एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन में रख के देख लो आप देखो कैसे करेंगे अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू को यहां रखता हूं यहां रखता हूं और एक बार यहां रखता हूं ठीक है तो यहां से वन इधर आएगा थर्टीन बन जाएगा तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टीन एम की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे यहां से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नंबर कैसा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है यहां पर रखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस हो जाएगा इलेवन यहां से भी नहीं कर पाएंगे हम तो मतलब क्या हुआ हमें फिर यहीं रखनी पड़ेगी हाँ, एक वैल्यू लेनी है बस हमें एक वैल्यू लेनी है और उसको हमें करना है आगे प्रोसीड सबसे 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 बड़ा 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 जो है वो आपका सबसे बड़ा आपका नंबर ये होगा देखो, देखो वैल्यू तो क्या आ तो गई सिक्स आ गई ना एम की वैल्यू सिक्स आ गई तो ट्वेल्व हो गया सिक्स सेवन तो वैसे था ही पहले से ठीक है या फिर जो मिडिल नंबर है उसको मिडिल के साथ रख दो यहां पर इक्वल कर दो तो वन जाके इसमें एड हो जाएगा थर्टी बन जाएगा तो एम की वैल्यू सिक्स आ जाएगी फिर से ठीक है तो तीनों करेस्पॉन्डिंग नंबर से क्योंकि यहां पर आप, आप देखोगे ना आप बच्चों एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि एच की जगह पे है ये आपका P और B की जगह पे है किसी को आपस में कर लो इसको B कह लो इसको P कह लो, लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो एच सबसे बड़ा होता है, सबसे, बड़ी होती है M2 +1 सबसे बड़ा क्या टू एम तो सबसे छोटा होगा तो मेरे पास कोई नंबर है थ्री थ्री का स्क्वायर होता है नाइन और थ्री का डबल क्या होता है सिक्स तो स्क्वायर वाला नंबर बड़ा है ना एक कम कर दो फिर भी एट आ रहा है और एट फिर भी बड़ा है सिक्स से मतलब एम स्क्वायर माइनस वन बड़ा है टू एम से टू एम सबसे छोटा है नंबर ठीक है एम इज द स्मॉलेस्ट नंबर ये सिर्फ बराबर होता है टू के स्क्वायर होता, तो होता, है, है होता है लेकिन जब टू माइनस करेंगे तो थ्री बनेगा तो, तो उसकेट हमें वैसे ही नहीं मिलता है टू के केस में कभी हमें पैथोको इंटरप्लेट नहीं मिलता है तो इसको हम नहीं लेंगे सबसे छोटा हमारा टू एम होगा उससे बड़ा एम माइनस वन सबसे बड़ा एम है और बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे बच्चों ठीक है ना टू हाँ, एम की वैल्यू सबसे छोटी होगी बेटा और एम बड़ी होगी नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन है या नहीं है देखो अभी देख लेते हैं एंड 12. 12. तो 12 बीच में आ गया टू तो एम की वैल्यू नाइन हो जाएगी नहीं कभी नहीं हो सकते बेटा कभी नहीं हो सकते ठीक है चेक कर लो आप इसको या फिर आप इसको रखो देखो यहां पे तो टू एम इज इक्वल टू ट्वेल्व हो गया एम की वैल्यू क्या 6 आ गई सिक्स आ गई एम की वैल्यू सिक्स आ गई

ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको आपका जो भी डाउट है बेटा हिमांशी वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास में याद रखूंगा नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन के बारे में ठीक है चलो फिलहाल अभी इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग विद एडुलेक्स क्लासेस थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट बाय बाय